हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम आपके लिए लाए हैं अलजेब्रा के कुछ न्यू क्वेश्चंस जो वैल्यू पुटिंग से इजीली सॉल्व हो जाते हैं, जिनको आज हम कॉन्सेप्ट से ना करके वैल्यू पुटिंग से करेंगे। तो इसके लिए हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, जैसे कि जो इक्वेशन है, अगर नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हों और इक्वेशन या नंबर ऑफ इक्वेशन कम हों, तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं, उनको अपनी मर्जी से मान सकती हूँ। अब इसके लिए अब देखिए, इसका मतलब आप बता रहे हैं, जैसे कि ये सवाल है, इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक एक्स एक वाई है, तो यानी दो वेरिएबल हैं। इक्वेशन कितनी है, एक ही इक्वेशन है, ये वाली एक ही इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, तो वेरिएबल की संख्या इक्वेशन की संख्या से ज़्यादा है। तो जितने इक्वेशन होती हैं उतने वेरिएबल फिक्स होते हैं, बाकी जो बचे वेरिएबल होते हैं उनको अपनी मर्जी से कुछ मान सकते हैं। जैसे कि आप एक इक्वेशन है तो इसका मतलब एक वेरिएबल फिक्स है, या तो एक्स या तो वाई। तो एक्स्ट्रा क्या है, एक एक्स्ट्रा है, दो वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन, इसका मतलब एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। अब एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ मान सकते हैं, मान लिया कि एक्स बराबर जीरो, क्योंकि जीरो मानना थोड़ा इजीली रहेगा, कुछ भी अपने मन से मान सकते हैं। देखिए, एक्स बराबर अगर जीरो मानेंगे तो यहाँ पे वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर यहाँ पे एक्स की जगह जीरो रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो वाई बराबर हो गया तीन, तो एक्स की जगह यहाँ जीरो हो जाएगा, इधर भी जीरो हो जाएगा और वाई की जगह रखेंगे तीन, तो तीन नंबर 27 हो जाएगी। आधे को वाई की जगह तीन रखते हैं, तीन का क्यूब हो जाएगा प्लस, अब ये पूरा एक्स का जब जीरो, यानी इस पूरे नंबर में जब जीरो गुणा करेंगे सब पूरा जीरो हो गया, प्लस वाई, वाई की वैल्यू तीन, तीन त्रिक नौ त्रिका 27 प्लस तीन, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 30 इसका आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल हैं ए और बी, और एक इक्वेशन है, तो अपने मन से हम कुछ अपने मन से मानेंगे। हमने मान लिया कि ए बराबर जीरो, किसी ए या बी को कुछ भी मान सकते हैं। जैसे ए बराबर जीरो मान लिया तो यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो हो गई तो बी की वैल्यू हो जाएगी वन, ए की वैल्यू जीरो हो गई, बी की वैल्यू आ गई वन, वन का क्यूब वन माइनस वन, बस इतना आ जाएगा, यानी 1-1 इसका आंसर 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ए बी और सी, यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, और इक्वेशन कितनी है, एक इक्वेशन है, तो कितने एक्स्ट्रा बचे वेरिएबल, एक में तीन घटाएंगे, दो एक्स्ट्रा बचे, तो किसी को अपने मन से मान सकते हैं। जैसे मान लिया हमने बी और सी को जीरो पुट कर दिया, तो यहाँ बी की वैल्यू जीरो, यहाँ पर बी की वैल्यू जीरो, और सी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, और सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ पर सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसके बाद एक, अब यहाँ पर रखते हैं ए और, हमने माना बी और सी की वैल्यू जीरो, बी और सी की वैल्यू हमने मान ली जीरो, तो बी की यहाँ ए माइनस जीरो मतलब ए बराबर जीरो हो जाएगा, ए बराबर यहाँ जीरो रखते हैं, प्लस जीरो माइनस जीरो बराबर इसका आंसर जीरो आएगा। अब बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर वैल्यू पुटिंग में एक बात का ध्यान रखेंगे कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी अपरिभाषित रूप नहीं बनना चाहिए, मतलब जीरो बटे जीरो, या किसी के नंबर में जीरो आए, नंबर के अपॉन में जीरो, या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये वाले फॉर्म नहीं बनने चाहिए, ना तो आंसर अपरिभाषित आएगा। इस वजह से हम क्या इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये चार, इन तीनों फॉर्म में से कुछ नहीं बनना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर दो इक्वेशन है, इक्वेशन कितनी है, दो वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल है ए बी सी, तीन वेरिएबल हैं, यानी एक्स्ट्रा कितने हैं, एक। अब इसमें एक्स्ट्रा में कुछ भी अपने मन से नहीं मान सकते, यहाँ पर देखिए सेटिस्फाई भी करना चाहिए, यहाँ बी की वैल्यू, बी कॉमन है, तो बी की वैल्यू को अगर जो एक रखती हैं तो यहाँ एक, या एक बटे एक, ए से एक ख़त्म हो जाएगा, तो ये आएगा ए बराबर जीरो, और यहाँ पर
क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बी की वैल्यू एक रखते हैं तो ये एक से एक खत्म हो जाएगा, सी बराबर भी आएगा जीरो। तो यहाँ पे जीरो प्लस जीरो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है तो इस वजह से जीरो नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या रखेंगे, एक भी नहीं रख सकते हैं, तो बी बराबर हम रखेंगे दो। दो रख के देखते हैं तो दो पे सेटिस्फाई कर जाएगा, एक बटे दो बराबर एक, ए बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो एक बटे दो आ जाएगा। यहाँ बी की वैल्यू दो रखते हैं, दो प्लस एक बटे सी बराबर एक, तो ये आएगा एक बटे सी बराबर माइनस का एक, एक बटे सी बराबर कितना हो जाएगा, एक दो आके यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का एक। यानी इसका मतलब क्या है, एक बटे सी बराबर माइनस एक, यानी सी बराबर आया माइनस का एक। यहाँ सी की वैल्यू रखते हैं माइनस एक प्लस एक बटे एक की वैल्यू एक बटे दो आई, तो ये जाएगा दो ऊपर, माइनस का एक प्लस दो बराबर आएगा प्लस का एक आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये सब दिया है। तो यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन है, इक्वेशन कितनी है दो, वेरिएबल कितने हैं ए बी सी, तीन वेरिएबल है, यानी एक्स्ट्रा कितने हैं एक, तो एक को अपनी तरफ से कुछ मान सकते हैं, एक्स्ट्रा कितने हैं एक। तो हम इसमें सी बराबर जीरो हम मानते हैं, कोई ऐसी वैल्यू है जिससे इजीली कैलकुलेशन हो जाए, वन टू थ्री फोर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन क्या उससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो यहाँ सी बराबर हम जीरो रख देते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये वाले जीरो हो जाएगा, और सी की वैल्यू ये जीरो हो जाएगी, और ये पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि सी है, सी की वैल्यू ये जीरो हो जाएगा पूरा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर जीरो हो गया, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 38 हो गया। तो यहाँ पे हमें निकालना किसकी वैल्यू है, ए बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी, और ये सब पूरा जीरो हो चुका है, या इसको ऐसे लिख देते ए बी स्क्वायर, इतना बचा सिर्फ। तो इसके लिए अगर ए बी कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा, बी प्लस ए, यानी इसकी हमें वैल्यू निकालनी। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे ये छः दिया गया है, इस क्वेश्चन में जो है ये छः दिया गया है, ए प्लस बी की वैल्यू छः है। तो इसके लिए हम करेंगे ए बी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी छः का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 38 प्लस टू ए बी, तो यहाँ छचरंग 36 बराबर 38 प्लस टू ए बी, तो 38 ये आ जाएगा माइनस का दो बराबर टू ए बी, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का वन, ए बी की वैल्यू माइनस वन, और ए प्लस बी की वैल्यू छः, तो यहाँ पे रख देते हैं ए बी की वैल्यू माइनस वन और ये छः, तो आ गया माइनस का छः आंसर। अब इसके बाद ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छः पे, यहाँ पे दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, और ये तो यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन दी हैं, इक्वेशन कितनी है दो, वेरिएबल कितने हैं तीन, तो एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितनी है एक, तो अपनी तरफ से सी बराबर जीरो मान लेते हैं, सी की बराबर जीरो मान लेते हैं, तो ये सी गया, यहाँ भी सी गया, और ये पूरा पूरा टर्म गया, यहाँ सी का गुणा है ये भी गया पूरा, और ये भी पूरा गया। तो यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी बराबर आ गया 12, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया ये 134, और हमें निकालना है इसकी वैल्यू, यानी अभी ये पूरा टर्म बचा इतना, तो इसको लिखेंगे ए बी और ए प्लस बी, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ए बी की वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दो तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर 144, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 134 दी है, प्लस टू ए बी बराबर 144, तो ये 2ab बराबर कितना हो जाएगा, 144 बराबर 134 घटाएंगे 10 आएगा, ab बराबर आएगा 5, ab बराबर 5, यहाँ a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 पंचे 60, इसका आंसर 60 आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 83। यहाँ देखिए दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल हैं, यानी एक्स्ट्रा कितनी है, एक्स्ट्रा एक है, एक कॉम, यानी सी बराबर जीरो मान लेते हैं, सी की वैल्यू अगर जीरो मान लेंगे तो सी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि सी गुणा में यहाँ जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ क्यूब था या क्यूब निकालना है, देखिए इसकी वैल्यू निकालना है, तो ए प्लस बी बराबर 15, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 83, तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही होता है। अब इसके बाद ये हमें निकालना है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 225 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू 83 प्लस 2ab बराबर 225, तो 2ab बराबर यहाँ 83 घटाएंगे तो 5 में 3 गए 2 और 22 में 8 गए 14, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 2 एकम 2, ए बी बराबर आ गया 71, ए बी बराबर 71 आ गया। तो यहाँ ए प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ ए प्लस बी हम कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इतना बचेगा, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ सही है। अब यहाँ पे ए प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी की जगह 15 लिखेंगे, 15 का स्क्वायर माइनस 3ab की जगह लिखेंगे 71, तो 15 × 15 225 माइनस 3 × 7 = 21 213 आएगा, 213 आएगा 15 इंटू, इसको जब घटाएंगे 3 में 5 गए 2 2 में गए 1 बार आ गया, 15 × 12 कितना होता है 180, तो 180 आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए ये इतनी बड़ी एक इक्वेशन दी गई है, इतनी बड़ी एक इक्वेशन दी गई है, तो एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, ए बी सी डी, चार वेरिएबल हैं, तो कितने एक्स्ट्रा हैं, तीन एक्स्ट्रा को कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मानने से पहले देखते हैं पूछा क्या है, बी सी यानी जीरो नहीं मान सकते क्योंकि जीरो बट अपॉन में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अनंत, तो ये नॉन ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, तो जीरो ले नहीं सकते, तो हम कोई तीन वेरिएबल को अपने आप से मान सकते हैं, तो जीरो नहीं ले सकते हैं, तो पहले वन लेके देखते हैं, बी सी डी तीनों को हम एक लेके देख लेते हैं, एक से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बी की जब बी सी डी की वैल्यू एक रखेंगे तो यहाँ 2 3 4 आ जाएगा, 3 2 5 4 9, यहाँ पर ए माइनस 2 - 3 -5 आ जाएगा, प्लस डी की वैल्यू 4 या 4 हो जाएगा यानी आ जाएगा -1, इसको -1 लिख देते हैं, बराबर ए माइनस 2 + 3 - 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 2 6 + 3, तो ये आ जाएगा -3 आ जाएगा, -3 लिख देते हैं, यहाँ ए प्लस 2 - 3 - 4 4 3 4 3 7 -7 + 2, तो आ जाएगा -7 + 2 यानी आ जाएगा -4 3 7 7 - 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 यानी आएगा -5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, या इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, ये ए का गुणा इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 9 ए माइनस 9 बराबर ए का इधर गुणा करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5 ए माइनस 3 ए प्लस 15, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, अब यहाँ पे कितना आएगा माइनस का, यहाँ पे माइनस सॉरी यहाँ पे आएगा 8 माइनस 9 बराबर यह आएगा -5 3 8 ए प्लस 15, तो 8 एक जुड़ जाएगा तो 16 ए बराबर आ जाएगा, 15 9 कितना होता है 24, तो ए बराबर आ जाएगा कितना 24/16 8 3 = 24 8 2 = 16 3/2 आ जाएगा, ए की वैल्यू 3/2 आ गई। तो यहाँ पे हमें से पूछा है 2AD अपॉन BC पूछा है, 2A की वैल्यू 3/2 आ गई, डी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 मानी, सी की वैल्यू 1 माना है, तो यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 3 आपका आंसर हो गया। आज हमने आपको बताया कि वैल्यू पुटिंग से कैसे क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।